गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 8, कुछ तो लोग कहेंगे। तो हम कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बार एक बूढ़ा आदमी और उसका जवान बेटा शहर जा रहे थे। उनके साथ एक गधा था। आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा एक बूढ़ा आदमी, उसका जवान बेटा और उनके पीछे पीछे कौन चल रहा था? गधा चल रहा था, जो उनके पीछे पीछे चल रहा था। कुछ देर चलने के बाद सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया। वो लोग कुछ देर चले, उसके बाद उनके सामने एक आदमी आता दिखाई दिया। जब वह आदमी पास आया तो बोला, तुम दोनों मूर्ख हो, तुम लोगों के पास गधा है फिर भी तुम दोनों पैदल चल रहे हो। कम से कम तुम में से एक तो गधे पर बैठ ही सकता है। उन्हें उस आदमी की बात ठीक लगी। आदमी ने अपने बेटे से कहा, तुम गधे पर बैठ जाओ। उसके बाद में बेटा गधे पर बैठ गया। आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि जो बेटा है वो गधे पर बैठ गया है और जो बूढ़ा आदमी है उसके पीछे पीछे चलने लगा। अभी कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में फिर एक आदमी मिला। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। लड़के को गधे पर बैठा देखकर यह आदमी बोला, अरे शर्म कर, बूढ़ा आदमी पैदल चल रहा है और तू गधे पर बैठा है। यह आदमी है उस लड़के से बोल रहा है कि बूढ़ा आदमी है वो पैदल चल रहा है और तू आराम से गधे पर बैठा है। यह सुनकर लड़का गधे से उतर गया और बाप गधे पर बैठ गया। दोनों चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें दो औरतें मिली। उन्हें देखकर एक औरत ने कहा, देखो कैसा जमाना आ गया है, बूढ़ा आदमी शान से गधे पर बैठा है और बेचारे फूल से लड़के को पैदल चलना पड़ रहा है। यह नहीं होता कि उसे भी गधे पर बैठा ले। आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा बूढ़ा आदमी गधे पर बैठा हुआ जा रहा है, ठीक है, और उसका जो बेटा है वो चल रहा है पैदल। तो यहाँ पे जो दो औरतें हैं पानी भरने के लिए निकली हैं, वो बोल रही हैं कि बूढ़ा शान से गधे पर बैठा है, आराम से, ठीक है, मज़े से, और उसका बेचारा लड़का है वो चल रहा है, ठीक है। बूढ़े आदमी ने उन औरतों की बात सुनी तो बेटे से कहा, बेटा ये औरतें ठीक कह रही हैं, तुम भी बैठ जाओ, थक गए होंगे। अब बेटा भी गधे पर बैठ गया। आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि बाप और बेटा दोनों गधे पर बैठ गए हैं। थोड़ा चलने के बाद उन्हें तीन आदमी मिले। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। उन दोनों को गधे पर बैठे देखकर एक आदमी बोला, अरे शर्म करो, तुम्हारे अंदर दया है कि नहीं? तुम हट्टे कट्टे दो आदमी इस गधे पर बैठे हो, इस बेचारे की जान लोगे क्या? यह सुनकर वे दोनों गधे से नीचे उतर गए और पैदल चलने लगे। गधा उनके पीछे पीछे आ रहा था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दूसरों की बात न सुनकर अपने मन की बात सुननी चाहिए।